हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है 3:30। तो अभी हम लोग थोड़ा सा निकले हैं। आज दोपहर को कल का बहुत सारा खाना बच गया था और आज सिर्फ दोपहर को मैंने थोड़ा सा पराठा बना लिया और अंडा को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बस हो गया था। क्योंकि कल का राइस और बहुत सारा चिकन भी बचा था, तो वो सब आज दोपहर में लंच में खा लिए। तो हम लोग कुछ दिनों से सोच रहे थे कि कुछ चीज़ हमको ख़रीदना है, बट निकलना नहीं हो रहा था। वो लेजीनेस की वजह से ही कहे कुछ भी कारण हो जाता था और निकलना नहीं हो रहा था। बट आज हमने सोचा नहीं, आज हम निकलेंगे। तो लंच के तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट करके अभी हम लोग निकल गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीजे मार्ट, जो मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो हम उस पर हम वहाँ पर जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर ही कुछ चीज़ ख़रीदना होगा। तो देखते हैं, हम पहले वहाँ जाएंगे, कुछ चीज़ ख़रीदेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ और भी लेना है इधर उधर से, मेरा थोड़ा DIY का चीज़ सब कुछ लेना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। हम लोगों का थोड़ा सा शॉपिंग था, हो गया। तो इधर ब्लैक करंट मिला, ये फ्लेवर हर जगह मिलता नहीं है, इधर मिला। तो हम लोगों ने सोचा पहले गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर कहीं जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, गर्मी भी काफ़ी है तो आइसक्रीम का मजा। बाहर बहुत गर्मी है, सुबह से बारिश हो रहा था। यहाँ पे ऐसा ही है, जब बारिश होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ही गर्मी होता है, और सुबह से सारा दिन बारिश हो, फिर भी लास्ट 2-3 दिन पूरा बारिश हुआ इधर, फिर भी बहुत गर्मी है। अच्छा है, छोटा वाला, छोटा ही था, बड़ा नहीं था ना। उस दिन जो मार्गाव में खाए थे वो बड़ा था, बड़ा था। हमको इधर एक शॉप मिला जहाँ पर हम गए थे। तो हम लोगों को कोलकाता में जैसा होता है ना, छोटे छोटे इयर रिंग, तो वैसे ही इधर भी हम लोगों को मुझे मिल गया। आज हम लोग थोड़ा सा निकले थे कुछ ये सब हम लोग ने शॉपिंग की है ना, वो शॉपिंग थोड़ा सा ड्रेस से मैच करके इयर रिंग्स मेरे पास नहीं था, क्लिप नहीं था। फिर बहुत दिनों से हम लोग कोई जगह भी ढूंढ रहे थे तो मिल नहीं रहा था। तो दिन
इधर आए थे कुछ लेने के लिए। एक्चुअली उस टाइम गणपति के टाइम मैं इस दुकान में आया था, लेकिन उस टाइम उतना स्टॉक नहीं था, लेकिन देख के लगा कि यहाँ पे मिलेगा। एक्चुअली उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए आज उसको ये दुकान में लेके आया। उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ पसंद है। मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये सब मैंने तो सोच ही लिया, अगर कुछ इयर रिंग्स वगैरह छोटे से लेकर बड़ा तक नेल पॉलिश का कलेक्शन बहुत सारा, क्लिप कितने कलर के सब कुछ मैंने एक ही दुकान में मिल गया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो आगे से इधर ही आऊँगी, अगर कुछ ऐसा लगेगा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं, गाड़ी है, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि आज हम कोई प्लान करके नहीं निकले हैं, आज हम सिर्फ छोटा छोटा काम है वही यहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ सब ढूंढ के देख के लेकर जाएंगे। एवरीवन, अभी बज रहे हैं 7 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है। हम लोग 6:15 को घर पहुंच गए थे, और अभी देखिए जो ग्रोसरी हमने किया ये है, थोड़ा सा ग्रोसरी जो था, बिस्किट्स वगैरह ये सब, चटनी वगैरह ये सब लिया, ग्रोसरी किया। और मैं बहुत दिन से जो सब ढूंढ रही थी, इयरिंग्स वगैरह सब कुछ मिला, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी अभी मैंने लीकर टी बनाकर लाई हूँ दोनों के लिए, और ये है वो चिकन समोसा, गिर जाएगा फिर, ये है चिकन समोसा, ये लाए हैं हम लोग आते वक्त। तो आज हम लोग जो सब ढूंढने गए थे सब कुछ हमें अच्छी तरह से मिल गया, और मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया था उसके लिए, जो सब मेरा ज्वेलरी चाहिए था वो सब ज्वेलरी मिल गया, बहुत दिनों से सुई धागा ढूंढ रही थी वो भी मिल गया, और हम लोग लौटे तब 6:15 हुआ था। तो मैंने, हम लोग जब भी कहीं से आते हैं तो नहाते हैं, देखिए पूरा नहा लिया, क्योंकि बाहर से अभी आने के बाद अभी ये सब करना ज़रूरी है, तो पूरा फ्रेश हो गए हैं। और अभी आज बज गए हैं 7:35, तो अभी हम लोग खा पी रहे हैं चाय, तो चाय पी रहे हैं समोसे के साथ। और आप लोगों को मैंने जो जो खरीदा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने ड्रेस के मैचिंग से इयर रिंग्स भी खरीदा, और बहुत सारा कुछ छोटा मोटा चीज सब कुछ खरीदा, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और जो प्लान निकले थे लेके निकले थे सब कुछ हुआ, फिर बाद में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाना भी हुआ। हाँ, आज हम लोग ऑलमोस्ट स्पेशल चीज मिला इधर गोवा में, जो हमारे वहाँ पे मिलता है कोलकाता में एक्चुअली। हाँ, वही मतलब हम लोग पूचका बोलते है, पानी पूरी बोलते, गोलगप्पा बोलते, बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट 9 मंथ्स
मंथ्स बाद बोलो, हाँ ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स बाद, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस टाइम तो सब बाहर का खाना वगैरह, लास्ट ईयर कब खाए थे पानी पूरी? लास्ट मेरे ख्याल से जनवरी स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में खाए थे कि याद नहीं है, तो 9 मंथ तो हो ही गया समझिए, 9 मंथ बाद हम लोग आज स्ट्रीट फूड ट्राई किए, क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों को उतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि जाके स्ट्रीट फूड खाए, बट आज हम लोगों को लगा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही खाया, और वहाँ पूरा सैनिटाइजर वगैरह था, सैनिटाइजर उस दुकान में सैनिटाइजर था, डेटॉल का सैनिटाइजर लगा हुआ है, खाने से पहले अच्छे से हाथ सैनिटाइज करके फिर खाना, फिर खाना हम लोग तो वैसे ही करे सैनिटाइज किए, उसके बाद ही हम लोग पानी पूरी खाए, और पानी पूरी जो दे रहे थे बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, एक प्लेट में 8 पानी पूरी दिया और 40 रुपीज, क्योंकि इधर का वो लोकल है नहीं ना, इसीलिए वो बाहर से जो आता है वही बनाता है, इसलिए स्पेशल है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, तो बहुत अच्छा लगा पानी पूरी, बहुत दिनों बाद खाए, बट अच्छा बनाया था, अच्छा बनाया था, इनफैक्ट हम लोग के वहाँ जब पानी पूरी देते हैं तो वैसे ही सेम है, मतलब टेस्ट उसका एकदम सेम, उसका तो सेम है, बट इधर क्या है, इधर पानी के पानी जब देते है तब आपको पूछते है कि इसमें तीखा ज्यादा दू या मीठा ज्यादा दू, अब अगर चाहे तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है जो जैसे खाता है उसके लिए वैसा बना के देंगे, तो अच्छा है, अच्छा लगा दोनों को, समोसा भी अच्छा है, कॉफी देखो समोसा अच्छा है, हमारे यहाँ का ही है, हम लोग जहाँ रहते हैं ना यहाँ पर ही, हमारे यहाँ सुपरमार्केट में सब कुछ मिलता है, स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छा है, हमारे पेस्ट्री सब कुछ का दुकान है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, हाँ दादा इसका 30 रुपीज है ईच, अच्छा है 30 रुपीज में ना, हम लोग एक्चुअली आज मॉर्निंग तो कुछ खाने गए थे, बट मियाँ का मॉर्निंग ना दोपहर को बंद रहता है, हम लोग यहाँ का होता है मियाँ और मॉर्निंग के तो सुबह जब ओपन होता है उसके बाद से पूरा दिन ही खुला रहता है, बट इधर दोपहर को बंद रहता है, हम लोग तो निकले थे 3-3:30 बजे, 3:30 बजे ही निकले थे, लास्ट दिन भी गए थे तब भी 3:30 बजे बंद ही था, 4:30 बजे देखा तो तब बंद था, ग्रोसरी करने के बाद गए थे तब भी बंद था, बट आज भी बंद ही है, तो इधर शायद उस टाइम पे बंद रहता होगा, तो 2 दिन ही देखा बंद है, तो इसलिए सोचा कि वैसा ही कुछ इधर से लाए है, अभी तो हम लोग मैच देखते हैं इस टाइम पे, और मैच देखते देखते ये सब स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो आज सोचा वहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ इधर से लाए, और लाए फर्स्ट डे लाए है, बट खाने में अच्छा है ना, और अच्छी तरह से पूरा भर के चिकन दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग, आज है संडे, मैं दिन ही भूल गई, आज है संडे, और मैं लास्ट जो शूट किया था मैंने वो जो सब अपने देखा ज्वेलरी शॉप वगैरह मैं गई थी, वो मैं गई थी फ्राइडे को, और उसके बाद सैटरडे को मैं बहुत टायर्ड हो गई, फिर मुझे ना उतना ये नहीं मिला कि उसके बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड थी, मैंने सोचा कि कल बनाऊंगी, सैटरडे बनाऊंगी आपके लिए, जो मैंने ज्वेलरी वगैरह ख़रीदा है उसका एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि आज है संडे, और आज मैं सुबह सुबह इस ब्लॉग को और आपके साथ इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी, और आपके साथ ये सब शेयर भी करूँगी मैंने जो सब ख़रीदा है, तो चलिए पहले जल्दी से शेयर कर देते हैं। उस दिन मैं जब गई थी ना, तो मुझे ना मेरे ड्रेस के मैचिंग से मैंने जो शॉपिंग किया, पूजा के लिए जो शॉपिंग किया, तो उसके लिए मेरा ड्रेस मैचिंग कोई ईयरिंग्स नहीं था, मुझे मिला 2 ही मिला, मुझे और भी चाहिए था, ड्रेस मैचिंग मुझे 2 ही मिला, बट कलेक्शंस बहुत सारे थे, मुझे कलर चाहिए था उसलिए कलर नहीं मिला, कलर 2 ही मिला, एक मैंने लिया है ये,
ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये देखने में। ये जस्ट देखिए, इसमें गोल्डन का है और इसमें ये बॉल बॉल टाइप का किया हुआ है, ये स्टोन टाइप का है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और ये गोल्डन टाइप का है, ये मैंने सोचा है कि मेरा जो वायलेट कलर का एक हुआ है ना, उसमें गोल्डन वाला वर्क किया हुआ है, उसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये लिया है उसके साथ पहनने के लिए। और मैंने एक नॉर्मल सा और मैंने एक रेड वाला, मेरा दो ड्रेस हुआ है, एक मुझे ऑर्गो ने गिफ्ट किया है पूजा के लिए, और एक हम लोगों ने जो शॉपिंग किया था वो मेरे मायके वालों ने भी आते वक्त जब मैं गोवा आ रही थी तो उन्होंने मुझे कैश दे दिया था और बोला था कि पूजा के लिए कुछ खरीद लेना, तो उससे जो ख़रीदा उसके लिए मैंने ना ये ख़रीदा। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है, और मैं ना ज़्यादा बड़ा बड़ा इयरिंग अभी नहीं ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा इयरिंग उतना पहनता नहीं हूँ। तो ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये। और एक ड्रेस मैंने ख़रीदा है उसके साथ, मैं यही ढूंढ रही थी ऐसा वाला ही कोई स्काई कलर का, बट उसके साथ मैंने फिर सोचा कि वो नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उसके साथ ये ख़रीद लिया है। छोटा छोटा गोल गोल रिंग है, इसके साथ मैंने ये ख़रीद लिया है, बट इसका प्राइस भी उतना नहीं है, रिजनेबली है। ये 50 रुपीज़ का है ईच, 50 100 लिया है, और ये 30 रुपीज़ का, 30 to 35 लिया है, हाँ 35 शायद 35 रुपीज़ लिया है ये। ये सिर्फ गोल गोल वाला है। और मैं बहुत दिनों से एक चीज़ ढूंढ रही थी, वो है सुई धागा, क्योंकि क्या होता है ना, छोटा छोटा जब अब मेरे नए ड्रेस में भी क्या हुआ कि साइड से थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा जो होता है ना सुई, वो जो धागा होता है ना वो निकल गया, तो उसके लिए थोड़ा सा इतना सा निकल गया, तो अभी इतना सा के लिए कौन बाहर जाएगा, बाहर में ट्रेलर के पास देगा, तो उसके लिए मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर ढूंढ रही थी सुई धागा, यहाँ पर दो सुई लिया है, दो सुई और ये ब्लैक कलर का एक धागा, जो मैं सब कुछ में यूज़ यूनिवर्सल कलर है जिसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ सब कुछ के लिए। और मैं जैसे इयरिंग्स लिया हूँ ना, वैसे ही मैं ड्रेस के लिए सोच रही थी कि अलग अलग ड्रेस के लिए अलग अलग क्लिप्स, तो ये रेड वाला तो मुझे मिल गया, रेड वाला जो मेरा दो ड्रेस है उसके लिए दो क्लिप रेड, ये दो के साथ ही पहन सकती हूँ। और मैं स्काई ब्लू कलर का भी ढूंढ रही थी, बट स्काई ब्लू कलर का कुछ नहीं मिल रहा था, एक था पतला सा क्लिप था, आपने अगर अच्छे से देखा होगा ज्वेलरी शॉप में मैं जब देख रही थी, बट बहुत पतला था, तो इसलिए मैंने इस टाइप का नहीं मिला, तो नहीं लिया। अभी बाद में जाऊंगी और देखूंगी, अगर मिलेगा तो लूंगी। तो ये है ब्लैक कलर का एक लिया, ये भी यूनिवर्सल है, आप जिसके भी साथ चाहो पहन सकते हो, तो एक ब्लैक कलर के ले लिया, कुछ वैसा कलर नहीं मिला तो। और मैंने एक चीज़ लिया है, वो है नेल फाइलर, वो बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी नेल्स को, देखिए मैंने कल अच्छी तरह से किया भी है, अभी नेल पॉलिश भी पहनूंगी, तो अच्छी तरह से किया भी है नेल फाइलर। और ये है, ये कॉटन जो होता है ना बर्ड्स, कॉटन बर्ड्स भी लिया है, ये मिला तो ले लिया, बहुत छोटा सा ही शॉपिंग था, और नेल फाइलर भी लिया है। नेल फाइलर अभी घर में अभी रख दिया है, यूज़ करके अभी रख दिया है। तो ये है मेरा शॉपिंग, छोटा सा शॉपिंग। और उस दिन तो मैंने बहुत फ्राइडे को मैंने बहुत मज़े किए, आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ वी आर हैविंग पानी पूरी। बहुत दिनों से बहुत इच्छा हो रहा था कि पानी पूरी खाओ, और घर में पानी पूरी बना तो सकते, बट बनाने में ना बहुत झंझट है। बहुत दिनों से स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इधर से और उन्होंने एक बार बोला था कि इधर बहुत अच्छा, एक दिन लाया भी था बड़ा पाव, तो और उन्होंने कहा बड़ा पाव लाया था तो बड़ा पाव अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो फिर इधर अगर पानी पूरी भी मिलता है तो खैर चलो देखते हैं। तो मैं गई थी, देखा कि पानी पूरी और सेव पूरी सब कुछ मिलता है, मैं एक एक करके खाऊंगी। उस दिन सिर्फ हमने पानी पूरी खाया, बहुत अच्छा लगा, तो फ्राइडे को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और मेरा क्या होता है, एक दिन अगर निकलती हूँ बाहर ना, दूसरे दिन मैं टायर्ड हो जाती हूँ, नींद सा आता है,
फिर भी मैं हम लोग गाड़ी में गए, थोड़ा सा जस्ट गाड़ी रख कर जितना वॉक करके जाना होता है उतना ही, फिर भी मुझे टायर्ड टायर्ड लगता है कि पता नहीं, तो इसलिए कल मैं कुछ नहीं बना पाई सैटरडे को, और आज है संडे। आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। मैं सोच रही हूँ आज आई मीन दोपहर के बाद से भी ब्लॉग स्टार्ट करूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आशा करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स हो तो पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करना, ताकि मैं जब जब न्यू वीडियो डालूँगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। So see you on my next vlog. Stay tuned. Till then, take care.